हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल चैप। आज हम इस सेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है अमीन्स, उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे और इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है वो आपके एचपी टीजीटी कमीशन एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। यहाँ से पिछले अगर पेपर को आप एनालिसिस करोगे तो यहाँ से अभी तक जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपके डिटेक्शन टेस्ट पे और नेमिंग रिएक्शन के ऊपर आ रखे हुए हैं। एक आधा क्वेश्चन जो है वो आपका आईयूपीएसी नेमिंग के ऊपर भी आ चुका हुआ है। सो आई होप यू विल लाइक दिस सेशन। अब देखो, एचपी टीजीटी कमीशन के एग्जाम में कोई भी आपसे जो है वो डीप रिएक्शन के बारे में नहीं पूछता है। वहां पे जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं, और अगर वहां से आपको रिएक्शन भी पूछी जाएगी तो वो एक बहुत बेसिक सी रिएक्शन होती है। नॉट लाइक द टाइप ऑफ की मैकेनिज्म करोगे तब जाके रिएक्शन जो है वो आपकी आएगी। सो अकॉर्डिंग टू द एचपी टीजीटी कमीशन हम इस चैप्टर को जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए अमीन क्या होते हैं। अब अगर मैं अमीन की बात करूं तो इतना तो सबको अमोनिया के बारे में तो सब जानते हैं, दैट व्हाट इज अमोनिया। सो अमोनिया हैज द फॉर्मूला दैट इज NH3। अगर मैं अमोनिया के स्ट्रक्चर की बात करूं, देन अमोनिया हैज स्ट्रक्चर 1 लोन पेयर एंड 3 हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन। क्लियर है। अब अमीन कब बनेंगे, जब आपके हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे या तो अल्काइल ग्रुप से या फिर एराइल ग्रुप से, तब आप उन्हें क्या कहते हो, अमीन कहते हो। क्लियर है। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, लाइक CH3 आपका हो गया। एराइल ग्रुप का मतलब क्या है कि कोई भी बेंजीन रिंग या फिर एरोमेटिक कंपाउंड जो है उसके साथ अटैच होगा। सो दिस वन इज क्लियर टू यू कि अमीन क्या होते हैं। देखो अमोनिया से जो है वो ड्राइव किए गए हैं अमीन्स को। अमीन्स क्या होते हैं, जहां पे नाइट्रोजन के साथ जो नाइट्रोजन है वो बॉन्ड्स बना रहा होता है अल्काइल या एराइल ग्रुप्स के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, अमीन्स कहते हैं। क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमीन्स क्या होते हैं, तो अमोनिया से ड्राइव किए जाते हैं, जिसमें से जो अमोनिया के साथ जब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है अल्काइल या एराइल ग्रुप से, सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो या 1 और 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अमीन्स कहते हैं। क्लियर है। अब अमीन्स हमारी हमारी बॉडी, आपको पता है जैसे कि हमारे बॉडी में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की जरूरत होती है। जैसे कि आपको पता है कि एज अ नाइट्रोजन ग्रुप हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और अमीनो एसिड्स में क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जब 20 अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तब जाके एक प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। सो दैट इज व्हाई ही सेड कि जो अमीन्स है वो कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद प्रोटीन, विटामिन, एल्केलॉइड्स और हॉर्मोन्स में भी जो है वो अमीन की प्रेजेंस देखने को मिलती है। क्लियर। अब अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो यहाँ से 2 एग्जांपल ऐसे हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट यहाँ पे ऐसा है कि आपको पता है मलेरिया किससे होता है, मलेरिया जो है वो फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज के काटने की वजह से होता है, जिसमें कैरियर डिजीज जो है, कैरियर जो होता है वो उसका प्रोटोजोआ होता है। क्लियर है। तो जब भी आपको मलेरिया होगा तो उसके लिए जो एंटी मलेरियल ड्रग, मतलब जो दवाइयां दी जाएंगी वो क्या होंगी, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसे क्यूनीन कहा जाता है। और ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा हुआ है कि उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए थे और पूछा हुआ था कि बताओ इसमें से एज अ एंटी मलेरियल ड्रग जो है वो किसे यूज किया जाता है, देन किसे यूज किया जाता है, क्यूनीन को इंक्रीज, क्यूनीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर आपको बीपी लेवल को इंक्रीज करना है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए किस किस केमिकल कंपाउंड का यूज किया जाएगा, एड्रेनालाइन और एफ्रिजीन का वहां पे यूज जो है वो देखने को मिलता है। एज एनेस्थीसिया अगर हम किसी अमीन का यूज करते हैं, देन इट नोवोकेन। क्लियर है। इसी बात इसे जो है वो डेंटिस्ट्री में एज एनेस्थीसिया यूज करने जाता है, जब आप अपने दांतों की चेकअप के लिए जाते हो और आपके वहां पे आरसीटी होनी है या कोई भी आगे ट्रीटमेंट होना है, तो उसके लिए आपको एक एनेस्थीसिया दिया जाता है जो एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, दैट इज नोवोकेन के नाम से उसे जाना जाता है। रिमेंबर दिस थिंग, एचपी टीजीटी कमीशन के एग्जाम में आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, सिंगल लाइन क्वेश्चन जो है वो भी ज्यादा जो है वहां पे देखने को मिलते हैं। मैंने ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप जो है वो उनसे भी एनालाइज कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखने को मिलते हैं। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कोडीन की, देन इट इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक, जिसे हम पेन किलर कहते हैं। आई होप यू नो अबाउट दिस, व्हाट आर एनाल्जेसिक। जो भी पेन किलर्स होते हैं, पेन रिलीफिंग ड्रग्स होते हैं, उन्हें हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं।
तो कौन सा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो एज एनर्जेटिक यूज किया जाता है, दैट इज कोडीन। ठीक है, बेंड्रिन, नाम आपने इसका सुना ही होगा, बेंड्रिन इज यूज्ड एज अ एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स। अब अगर मैं हिस्टामाइन ड्रग्स की बात करूं तो जब हमारी बॉडी में इचिंग जैसी प्रॉब्लम होती है तो बॉडी से कैसे रिलीज होता है जिसे हम हिस्टामाइन कहते हैं, और उस एलर्जी से बचने के लिए, उस एलर्जी को क्योर करने के लिए जो आपको दवाइयां दी जाती हैं उसे कहा जाता है एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा यूज किया जाता है, दैट इज बेंड्रिन, तो वहां पे यूज किया जाता है। ऐसे ही क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है वो एज अ सर्फेक्टेंट जो है वो यूज किए जाते हैं। सो आप देख सकते हो कि अमीन के जितने भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज डेली लाइफ में भी देखने को मिलता है। क्लियर है? चलो अब अमीन की कैटेगरीज के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है आपका एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन का मतलब क्या है कि अमीन में जो नाइट्रोजन ग्रुप है उसमें वन और टू मोर हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, अल्काइल ग्रुप से। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया जाता है तब आपके अल्काइल की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मिथेन है CH4, अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर देते तो आपके पास बन जाता है CH3। अब ये क्या था, मिथेन, जब एक हाइड्रोजन को कम कर दिया तो क्या बन गया, मिथाइल बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइल बोलेंगे। क्लियर है इतनी सी बात? तो जब भी अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं उसके साथ अगर आप एक अल्काइल को ऐड करते हो देन इट इज व्हाट, प्राइमरी अमीन। अगर टू अल्काइल्स को ऐड करते हो देन इट इज सेकेंडरी अमीन। और जब तीनों ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है अल्काइल ग्रुप से तब आप उसे क्या कहते हो, टर्शरी अमीन के नाम से उन्हें जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज सिंपल अमोनिया, ठीक है, हैविंग द लोन पेयर एंड NH3। नेक्स्ट क्या है कि अब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है CH3 ग्रुप से, तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल अमीन की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेम इन द नेक्स्ट केस, जैसे कि अब क्या था, NH3 होता है हमारे पास, उसमें अब एक एच रह गया, टू आपके क्या आ गए, अल्काइल ग्रुप्स आ गए, तो इसे क्या कहा जाएगा, डाइमिथाइल अमीन के नाम से जाना जाएगा। सेम अब नाइट्रोजन के साथ तीनों ही जो है वो आर ग्रुप्स लग गए हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, टर्शरी अमीन, दैट इज ट्राइमिथाइल अमीन के नाम से इसे जाना जाएगा। IUPAC नेमिंग सबको करने आती होगी आई होप। अब इसका नाम मिथाइल अमीन कैसे आया, क्योंकि एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, अमीन, तो क्या नाम बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले, तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल अमीन। अब यहाँ पे क्या है, टू सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं तो उसके लिए हम डाई का यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, डाइमिथाइल अमीन। और लास्ट वन में थ्री जो है वो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, दैट इज व्हाई इट बिकम ट्राइमिथाइल अमीन के नाम से इसे जाना जाएगा। क्लियर है? चलिए अब पढ़ते हैं आगे एरोमेटिक अमीन्स के बारे में। एरोमेटिक अमीन्स का मतलब है कि जैसे एलिफेटिक में क्या हुआ कि जब आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो वहां पे आपने क्या लगाया, अल्काइल लगाया, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक अमीन्स कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं एरोमेटिक अमीन्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, अमीन्स के साथ जो अमीन्स के साथ जो हाइड्रोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे एराइल ग्रुप से, मतलब किसी भी एरोमेटिक रिंग से हम उन्हें क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। सो वो कहता है अमीन्स इन विच द नाइट्रोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू वन और मोर सेम और डिफरेंट एरोमेटिक रिंग्स और एराइल ग्रुप्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक अमीन के नाम से उन्हें जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सो दिस वन इज योर व्हाट, अमीन है ना, दिस इज अमीन ग्रुप, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, NH3 होता है। क्लियर है? NH3 होता है, एक H की जगह मैंने लगा दी यहाँ पे बेंजीन रिंग, तो इसका क्या नाम बन जाएगा, दिस इज एनिलीन 1 डिग्री, दैट इज प्राइमरी डिग्री एरोमेटिक अमीन से इसे जाना जाएगा। कभी कभी ना पेपर में क्वेश्चन वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन। क्लियर है? सो यू शुड नो अबाउट दिस कि प्राइमरी कैसे बनता है, सेकेंडरी कैसे बनता है और टर्शरी की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। अब देखो NH3 है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, 1 डिग्री है, नाम क्या होगा, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर आपको NH2 देखने को मिलेगा उसे क्या कहा जाता है, एनिलीन कहा जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अब क्या है, दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए और दोनों हाइड्रोजन की जगह आपके पास क्या आ गई, उन्होंने फिनाइल रिंग लगा दी, तो इसका नाम क्या होगा, डाइफिनाइल अमीन के नाम से इसे जाना जाएगा, दैट इज सेकेंडरी अमीन के नाम से इसे बोला जाएगा। अब नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है तीन फिनाइल रिंग से, सो व्हाट वाज द नेम, ट्राइफिनाइल अमीन, दैट इज टर्शरी अमीन के नाम से इसे जाना जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एराइल अल्काइल अमीन, नाम से ही पता चल रहा है क्या हो सकता है, मतलब अमीन ग्रुप के साथ आपका
एक एराइल ग्रुप भी लगा होगा और एक आपका एल्काइल ग्रुप भी लगा होगा, और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एराइल एल्काइल अमीन के नाम से उसे जाना जाता है, और इन्हें जो है वो साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट अमीन के नाम से भी जाना जाता है। सो वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अमीन इन विच द नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू द साइड चेन ऑफ द एरोमेटिक रिंग आर कॉल्ड एज एराइल एल्काइल अमीन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सी दिस इज वॉट अमीन ग्रुप, दिस इज वॉट एल्काइल एंड दिस इज वॉट एराइल, तो क्या ये बन गया ना आपका एराइल एल्काइल अमीन। नाम क्या बन जाएगा इसका, बेंजाइल एमीन। सो कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 NH2 देखने को मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेंजाइल एमीन, दैट इज प्राइमरी डिग्री के नाम से उसे जाना जाता है। क्लियर है? ऐसे ही मैं आगे बात करूं, यहाँ पे क्या है, टू बेंजीन रिंग्स हैं, टू CH2 आपको देखने को मिल रहे हैं, सो व्हाट वाज द नेम, डायबेंजाइल एमीन, दैट इज सेकेंडरी डिग्री के नाम से उसे जाना जाएगा। क्लियर है? जैसे ये देखो C6H5CH2 ट्वाइस, क्योंकि ये क्या था, बेंजाइल एमाइन था, टू है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका डाइबेंजाइल अमीन, जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे थ्री है, दैट मीन्स ट्राइबेंजाइल अमीन, टर्शियरी अमीन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सो दिस वन इज वेरी इजी। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है IUPAC नेमिंग पे, अभी तक जो आपने पढ़ा IUPAC नेमिंग के बाद वो पूछ लेंगे कि बताओ प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, या टर्शियरी कौन सा है, ऐसा उन्होंने कुछ पूछा होगा। क्लियर है? अभी तक जो क्वेश्चन आपके यहाँ तक बन रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चल IUPAC नेमिंग करते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मिथाइलामीन, डायमिथाइलामीन एंड दिस इज ट्राइएथाइलामीन। लेट्स डू सम मोर एग्जांपल। देखिए दिस इज व्हाट C3H7NH2। अब कितने कार्बन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, थ्री कार्बन है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, प्रोप आएगा। ठीक है, अब दिस इज वन एल्काइल ग्रुप, तो क्या बन गया, ये प्रोपाइल अमीन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सेम नेक्स्ट की मैं बात करूं, अब NH के साथ एक आपका इथाइल लगा हुआ है, एक आपका मिथाइल लगा हुआ है, बट यहाँ पे ना थोड़ी गड़बड़ है, इट इज नॉट मिथाइल इथाइल, आई मीन दिस इज इथाइल, क्योंकि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, तो दिस इज व्हाट इथाइल मिथाइल अमीन के नाम से इसे जाना जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, बेंजीन रिंग है, NH लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है, तो इसका नेम क्या होगा, क्योंकि अंदर अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल इथाइल साइक्लोहेक्साइल एमीन, क्योंकि जब बेंजीन रिंग के अंदर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन नहीं होती है तब हम उसकी नेमिंग जो है वो N से करते हैं। क्लियर है? चल नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3, सबसे पहले क्या है, हम नंबरिंग करते हैं। अब 1 2 3 यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, यहाँ पे 2 ही आ रहा है, तो ठीक है, हमारा काम क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट से लोएस्ट पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करवानी होती है। तो इसमें क्या है, 2 डिग्री अमीनो प्रोपेन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। 2 डिग्री नहीं, सॉरी, 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, अमीन ग्रुप लगा हुआ है, साथ में ये कितने कार्बन है, 3, तो क्या नेमिंग हो जाएगी, 2 अमीनो प्रोपेन के नाम से इसे जाना जाएगा। नेक्स्ट इन दिस केस, अब देखो 1 2 3 4, अब हम नेमिंग कैसे करेंगे इसकी, देखो फंक्शनल ग्रुप दिस वन और दिस वन इज एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और फंक्शनल ग्रुप को आपको सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, सो नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो दिस वन क्या बन जाएगा, ये 3-methyl-2-amino-butane के नाम से जो है वो इसे जाना जाएगा। क्लियर है? दिस वन इज सिंपल, कि जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा होगा इसे आप क्या कहोगे, बेंजा एनीन कहोगे, दैट इज एनिलीन, और ऐसे ही बेंजीन रिंग के ऊपर NHCH3 लगा होगा तो इसे क्या कहा जाएगा, मिथाइल एनिलीन या मिथाइल बेंजामाइन के नाम से उसे जाना जाएगा। क्लियर है? चल नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स डू सम मोर एग्जांपल। लाइक व्हाट, देखो नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और दोनों ही आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो क्या बन जाएगा, NN डाइमिथाइल एनिलीन, और दिस वन इज व्हाट, एक साइड इथाइल है एक साइड मिथाइल है, अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसका नाम आएगा इथाइल का, एन इथाइल एन मिथाइल बेंजामीन के नाम से इसे जाना जाएगा। नेक्स्ट NH2CH3, तो ये क्या बन जाएगा, टोल्युइडीन के नाम से भी इसे हम बोल सकते हैं, मतलब टोल्युइडीन तो कब बनेगा इतना तो पता ना, कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, टोल्युइन कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट वाज द 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 4-methyl-benzamine या फिर 4-methyl-aniline या फिर पैराटोल्युइडीन के नाम से इसे पुकारेंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट अगर बात करूं मैं स्ट्रक्चर के बारे में, तो एज यू ऑल नो दैट अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैविंग लोन पेयर, 3 हाइड्रोजन, और इस टाइप की शेप और ज्योमेट्री को हम क्या कहते थे, पिरामिडल शेप।
आई होप कि आपको बचपन थ्योरी जो है वो क्लियर होगी, क्योंकि वहां पे ही जो है हम शेप्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है वो डिटेल में स्टडी करते थे, और पिरामिडल को जो है हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्लियर है। और नेक्स्ट वन थिंग की इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री जो है वो बॉन्ड एंगल देखा जाता है। तो सेम इन द केस ऑफ जो है वो अमीन्स में भी होगा। सेंटर में आपका क्या होता है, नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन तो नहीं होंगे क्योंकि ऑब्वियसली हम उसको रिप्लेस कर देंगे अल्काइल या एराइल ग्रुप से। तो तीनों जगह मान लिया मैंने सी एच थ्री ग्रुप्स हैं या कोई भी आर ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपकी शेप है वो क्या कहता है कि अमीन्स जो है हैव थ्री बॉन्ड्स एंड वन पेयर ऑफ लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। ट्राइग्नल पिरामिडल कह लो या पिरामिडल कह लो या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी हम इसकी शेप को बोल सकते हैं। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी सी बात। चल नेक्स्ट देखते हैं। नाउ द मेन पार्ट इज प्रेपरेशन ऑफ अमीन। यहाँ से जितनी भी अब नेमिंग रिएक्शंस होगी वहां से 110% श्योर HPTGT कमीशन के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑलरेडी क्वेश्चन आ भी चुके हैं, जैसे उन्होंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के ऊपर पूछा था, जिसमें ब्रोमीन को हमने ऐड करना होता है और वहां से प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। सो मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस हैं वो जो है वो नेमिंग रिएक्शंस के इर्द गिर्द ही जो है वो पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट प्रिपरेशन की, तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रिपरेशन हो रही है वो किससे करवाई जाएगी, अल्काइल हैलाइड से जो है वो प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाएगी। तो इसका नाम क्या है, हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो इस नेमिंग रिएक्शन के ऊपर ही आएगा, जैसे उन्होंने पूछा कि हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन में किस चीज की फॉर्मेशन होती है, या फिर उन्होंने बोल दिया कि प्राइमरी अमीन्स जो है वो फॉर्मड होते हैं, नीचे उन्होंने तीन चार जो है वो ऑप्शंस दे दिए और वहां पे नेमिंग रिएक्शन थी। सो रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे क्या है, अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस से याद रखना कि अमोनिया तो प्रेजेंट होगा, अगर अमोनिया प्रेजेंट है तो मतलब वहां पे किस चीज की फॉर्मेशन होगी, अमीन की फॉर्मेशन जो है वो देखी जाएगी। अब इसमें होता क्या है, जब भी आप किसी अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो आपके पास जो आगे प्राइमरी अमीन्स बनते हैं उस रिएक्शन को हम कहते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल अमोनिया जो है वो अटैक करता है अल्काइल ग्रुप पे, अब हैलोजन को डिस्प्लेस करता है और वहां पे जो है वो खुद अटैक करके वहां पे बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट, दिस इज अल्काइल हैलाइड। यू नो व्हाट ना, व्हाट इज अल्काइल हैलाइड, अल्काइल का मतलब कोई भी CH3, हैलाइड का मतलब है कोई भी हैलोजन लगा होगा। तो अल्काइल हैलाइड जैसे ही आपने अमोनिया के साथ अटैक करवाया, अमोनिया जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आपके पास क्या होते हैं, जिनके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहां से न्यूक्लियोफाइल की एक टेंडेंसी है कि वो हमेशा बैक अटैक करता है, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये अटैक करेगा तो हाइड्रोजन जो है वो एक आयोडीन लेके बाहर निकल जाएगा और दो हाइड्रोजन की यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगी विद नाइट्रोजन। सो यू कैन से दैट कि प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, लाइक CH3NH2 की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सो आई होप कि ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी कि हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन में सबसे पहली बात कि अमोनिया का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर अमोनिया प्रेजेंट है दैट मीन्स कि वहां से किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, अमीन्स की फॉर्मेशन हो रही है। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बैक अटैक करेगा, हैलोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो एक हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे प्राइमरी अमीन्स की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। क्लियर है। अगर मैं ऐसे ही अब आगे बात करूं, आपके पास है CH3NH2 और CH3I, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो आयोडाइड लेके बाहर और NH के साथ दोनों मिथाइल ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे और डाइमिथाइल अमीन की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। सेम इन दिस केस, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला वो आयोडीन लेके बाहर और यहाँ पे चला जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या होगा, टर्शरी अमीन की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी, दैट इज ट्राइमिथाइल एनिडीन जो है वो यहाँ पे फॉर्म होगा। सो डोंट गो फॉर द रिएक्शन की वो आपसे कैसे पूछ लेंगे, कोई वहां पे रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होगी, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा सकता है कि हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन में किस चीज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, देन प्राइमरी अमीन्स की फॉर्मेशन जो है वो वहां पे देखने को मिलती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दिस वन इज इंपॉर्टेंट और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ चुका होगा डायरेक्ट, था जो इसकी फर्स्ट लाइन है वहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि जब भी आप
रिडक्शन करते हो नाइट्राइल की, जिन्हें आप साइनाइड कहते हो या फिर आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल्स की, तो किस चीज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है? अमीन की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। सो वो क्या कहता है कि जो नाइट्राइल्स है, अब नाइट्राइल्स का मतलब क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड एम, साइनाइड्स है ना, तो जब भी रिडक्शन की बात आती है तो मतलब क्या है, अनसैचुरेशन से सैचुरेशन में जाना है। और जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जहां पे आपको रिडक्शन करनी है, तो वहां पे एक बहुत फेमस कैटलिस्ट यूज किया जाता है, दैट इज हाइड्रोजन निकल जो है वो वहां पे यूज किए जाते हैं। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जब भी नाइट्राइल्स को आप रिड्यूस कर रहे हो कॉरेस्पॉन्डिंग अमीन्स में, तो आप कौन कौन सा कैटलिस्ट यूज करोगे, दैट इज हाइड्रोजन निकल, प्लैटिनम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम अमलगम और इथेनॉल का यूज जो है वो वहां पे देखने को मिलता है। और इस टाइप की रिडक्शन को, जहां पे साइनाइड की रिडक्शन हो रही है विद सोडियम एंड अल्कोहल, इज नोन एज द मेंडियस रिएक्शन। अब दिस इज द नेमिंग रिएक्शन, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। वो पूछ सकता है कि मेंडियस रिएक्शन क्या है, जब आप साइनाइड की रिडक्शन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल, देन इट इज नोन एज द मेंडियस रिएक्शन। क्लियर है? और किस चीज की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास था नाइट्रो इथेन लाइक CH3CH2NO2, नाम समझ में आ गया, दिस इज नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पे क्या टू कार्बन है, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रो इथेन होगा। जब आप इसकी क्या करोगे, रिडक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन निकल आयरन HCl और बहुत सारे और हाइड्रोजन लोगे, तो होगा क्या, यहाँ से रिडक्शन कर रहे मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो वाटर बाहर और NH2 एड, तो क्या बन जाएगा आपका, इथेनामाइन की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। सेम इन दिस केस नाइट्रोबेंजीन, अब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो वाटर बाहर NH2 एड और एनिलीन की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। सो मेंडियस रिएक्शन में क्या है, अमीन्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है और किसकी रिडक्शन होती है, साइनाइड की, आइसोसाइनाइड से नाइट्राइड की रिडक्शन करी जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम हो गया, हाइड्रोजन निकल प्लैटिनम, इन सब की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है और अमीन की फॉर्मेशन होती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। मेंडियस से याद रखें ना कि एन है, मतलब कि अमीन की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड, और यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है, बट उन्होंने क्वेश्चन पूछा कैसे था मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले ये देखो कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में प्राइमरी अमीन्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो वो कह रहा है कि प्राइमरी अमीन्स को प्रिपेयर किया जाता है बाय द ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन अल्कोहलिक KOH एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब द नेक्स्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया। अब इसमें जो आपका अमीन फॉर्म होता है एज अ प्रोडक्ट, वो अपनी पेरेंट कार्बन से जो पेरेंट कार्बन है उनसे वो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं, लेस होते हैं। और इसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था कि उस रिएक्शन का नाम क्या है जिसमें प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है तो उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो अपने रिएक्टेंट से क्या होते हैं, वन कार्बन एटम लेस होते हैं और अमीन की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। तो उस रिएक्शन का नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड के नाम से हम उसे जानते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, एमाइड से हम अमीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आपके पास क्या था, एसिटामाइड था, दैट इज CH3CONH2 था। जब आपने उसकी रिएक्शन करवाई ब्रोमीन और अल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो रिडक्शन ही करनी है ना, ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, तो K2CO3KBr जो है वो बाहर निकल गया वाटर के साथ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3NH2 की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, दैट इज मिथाइल अमीन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब देखो प्रोडक्ट में एक कार्बन है और यहाँ पे क्या था, रिएक्टेंट में टू कार्बन आपको देखने को मिल रही थी, दैट इज व्हाई ही सेड द अमीन फॉर्म कंटेन्स वन कार्बन एटम लेस देन द पेरेंट अमाइन, एंड देयरफॉर दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्टेपिंग डाउन द सीरीज इन ऑर्गेनिक कन्वर्जन। तो यहाँ से जो सिर्फ ये एक लाइन है, इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन पेपर में आ चुका हुआ है। क्लियर है? इजी था ये क्वेश्चन। सो रिमेंबर दिस थिंग कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में किस चीज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, प्राइमरी अमीन्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, अमाइड से जो है वो अमाइन्स की फॉर्मेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड KOH एंड इथेनॉल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिडक्शन ऑफ एजाइड्स। हालांकि अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट यहाँ से इतना याद रखो, सबसे पहले तो एजाइड्स क्या होते हैं ये पता होना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो डायरेक्ट पूछ ले कि एजाइड का फॉर्मूला क्या है। सो एजाइड क्या होते हैं, कोई भी जैसे अल्काइल है उसके साथ जब N3 लगा होगा तो उसे हम कहते हैं एजाइड। लाइक NaNH3 क्या है, ये सोडियम एजाइड है। अब रिडक्शन ऑफ एजाइड में क्या होता है कि जब भी आप किसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हो सोडियम एजाइड के साथ,
या एजाइड के साथ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पे देखने को मिलेगी, फिर से बैक अटैक होगा, सोडियम हैलोजन को लेके बाहर निकल जाएगा और आपके पास अमीन की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास था एल्काइल हैलाइड, लाइक मान लो कि आपके पास है CH3Cl, मान लो आपके पास, ठीक है, आपने उसकी रिएक्शन करवा दी सोडियम एजाइड के साथ। अब होगा क्या, CH3 और N3 जो है वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, एल्काइल एजाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और NaCl जो है वो आपका बाहर आउट हो जाएगा। सो रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी आप एजाइड्स की रिडक्शन कर रहे हो तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, अमीन की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेम इन दिस केस, जैसे मान लो ये है RN3 जो आपका एल्काइल एजाइड बना था, उसके जब आपने रिडक्शन करी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम अल्कोहलिक की प्रेजेंस में, तो आपके पास जो है वो अमीन और नाइट्रोजन जो है वो एज एजोट गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी कहेंगे, विद हाइड्रोजन और प्लैटिनम और कार्बन। और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, अमीन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सो दैट इज व्हाई दिस इज, यू कैन से दैट समहाउ इंपॉर्टेंट दिमाग में होना चाहिए कि एजाइड वाले रिएक्शन में क्या हुआ था, एल्काइल हैलाइड लिए सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करवाई, वहां पे आपका एल्काइल एजाइड की फॉर्मेशन हुई और जैसे ही आपने एल्काइल एजाइड की रिडक्शन करी वहां से अमीन की फॉर्मेशन देखने को मिली विद द एवोल्यूशन ऑफ द नाइट्रोजन गैस, जिसे एजोट गैस के नाम से भी जाना जाता है। अब एजोट गैस क्या होती है, देखो एजोट का मतलब क्या होता है, विदाउट लाइफ। एंड एज यू ऑल नो दैट कि जो आपकी नाइट्रोजन है वो इनर्ट गैस है, वो ज्यादा किसी से नॉट इनर्ट है बट हाँ वो इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है, अनरिएक्टिव गैस है, मतलब उसकी कोई लाइफ नहीं है, दैट इज व्हाई नाइट्रोजन इज नोन एज द एजोट गैस। कभी कभी पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। सो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्कीमेट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, दिस इज वेरी इजी रिएक्शन और अच्छी रिएक्शन है। तो देखो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग द फंक्शनल ग्रुप COOH को रिएक्ट करवाया जाता है हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। अब भाई हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी जब जहां से बेसिक क्वेश्चन आता है ना तो वो डायरेक्ट हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज N3H इज नोन एज द हाइड्रोजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4 to form the primary amine with the evolution of carbon dioxide and nitrogen, then it is known as a skimmed reaction. So remember this thing that this naming reaction is used for the preparation of the primary amine, जिसमें carboxylic acid की reaction करवाई जाती है hydrozoic acid के साथ। आप देख सकते हो this one is carboxylic acid, hydrozoic के साथ जो है वो reduction करवाई जा रही है in the presence of concentrated H2SO4। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका CO2 बाहर, नाइट्रोजन बाहर और यहाँ पे क्या लग जाएगा, अमीन की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। सेम इन द केस ऑफ बेंजोइक एसिड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका क्या निकल गया बाहर, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की एवोल्यूशन होगी, NH3 था, यहाँ से नाइट्रोजन निकल गया, NH2 अटैच हो गया और किस चीज की फॉर्मेशन देखने को मिली, एनिलीन की फॉर्मेशन। दैट इज एनिलीन क्या होता है, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप की फॉर्मेशन देखने को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। क्लियर है? दिस इज व्हाट 1 डिग्री अमीन। सो देखो सिंपल सी रिएक्शन थी, छोटी सी रिएक्शन है, डायरेक्ट लर्न हो जाती है कि स्कीमेटिक रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाएगी हाइड्रोजोइक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो वहां पे प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलिए अब पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टेट एंड स्मेल की, तो जितने भी लोअर मेंबर्स होते हैं अमीन के, लाइक आपका हो गया सच एज मिथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन हो गया, इथाइल अमीन हो गया, तो जनरली जितने भी लोअर मेंबर हैं वो क्या होते हैं, गैशियस फॉर्म में पाए जाते हैं और उनकी स्मेल भी कैसी होती है, अमोनिया लाइक स्मेल, दैट इज पंजेंट स्मेल जो है वो आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे आप हायर मेंबर्स की तरफ देखते बढ़ते जाएंगे तो वहां पे क्या है, स्टेट भी लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट होती जाएगी और उस टाइम जो आपकी स्मेल है, जो ऑर्डर है वो कैसा आएगा, फिश लाइक स्मेल जो है वो वहां से आती है। और अगर मैं बात करूं एरोमेटिक एमीन्स की, तो वो क्या होते हैं, जनरली टॉक्सिक इन नेचर होते हैं और उनकी जो स्मेल होती है वो भी बहुत अजीब सी स्मेल होती है, स्ट्रेंज सी स्मेल होती है। मतलब यू कैन से दैट कि जितने भी एरोमेटिक एमीन्स हैं या हायर ऑर्डर के एमीन्स हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो अनप्लीजेंट होता है। सो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जितने भी लोअर मेंबर्स हैं एमीन्स के वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, देन दे एग्जिस्ट एज गैशियस फॉर्म। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो स्टेट है वो लिक्विड एंड सॉलिड में कन्वर्ट होती जाएगी। जितने भी लोअर मेंबर्स हैं वो कैसी स्मेल होती है, अमोनिया लाइक स्मेल होती है, और हायर मेंबर्स की स्मेल कैसी होती है, फिश लाइक। और अगर आप एरोमेटिक अमीन्स की बात करोगे तो उनका जो ऑर्डर है वो बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट ऑर्डर और टॉक्सिक चीजें जो है वो वहां पे देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं
नेक्स्ट पार्ट की, देन दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो दिस इज वॉट, ये जो है वो आपका एमीन का स्ट्रक्चर है, और जहां पे भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी वहां पे बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी जो है वो ज्यादा चाहिए होती है, एंड दैट इज वाई वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, देन आपका आता है अल्कोहलिक ग्रुप का, एंड देन आपका आता है एमीन का। क्लियर है, और उसके बाद आपके आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन, इवन बीच में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट अभी मैं सिर्फ एक जनरल बात लेके चल रही हूँ। तो जो एमीन्स है हाइड्रोकार्बन से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि जो आपके हाइड्रोकार्बन है लाइक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। नाउ व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब भी हाइड्रोजन जो है वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तब वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। सो हाइड्रोकार्बन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, दैट इज वाई जितने भी आपके अमीन्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द हाइड्रोकार्बन। क्लियर है, और अमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है किससे, अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है एज कंपेयर टू दी एमीन्स, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात करूँ तो सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन, तो जहां पे दो दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्वियसली ज्यादा होगी, देन आपका वन ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, दैट इज वाई अमीन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है किससे, अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो एमीन्स हैं वो क्या है, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट है और अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है। बट अगर मैं आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में बात करूँ कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और कम होगा, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपका लीनियर स्ट्रक्चर है, अगर आपका क्या है लीनियर स्ट्रक्चर है, तो बॉइलिंग पॉइंट वहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज होती जाएगी, मतलब सेकेंडरी या टर्शियरी आता जाएगा, वैसे वैसे सरफेस एरिया क्या होता है लेस हो जाता है, वेंडेबल फोर्सेस भी क्या होती है कम हो जाती है, और वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है कम देखने को मिलता है। सो ये सभी के केस में होता है, सारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में ये चीज जो है वो देखने को मिलेगी। सो रिमेंबर दिस थिंग कि जहां पे लीनियर स्ट्रक्चर है वहां पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे ब्रांचिंग जो है वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। सो दिस इज प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन में क्या है स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल लीनियर है, देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 97 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही ब्रांचिंग इंक्रीज हुई तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया आपका, जो सेकेंडरी था 84 डिग्री सेल्सियस और टर्शियरी में 65 डिग्री सेल्सियस जो है वो देखने को मिलेगा। सो रिमेंबर दिस थिंग कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है अमीन्स का, प्राइमरी में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी, और रीजन मैंने आपको बता दिया, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीन। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो यहाँ से जो आपको फैक्टर याद रखना है, इस डेरिवेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना याद कुछ नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स को जो डिस्क्राइब किया जाता है वो के बी वैल्यू से, बेसिसिटी वैल्यू से, कॉन्स्टेंट बेसिसिटी से जो है वो इसको डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें जो आपकी पी के बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बेसिक करेक्टर से। दैट मीन्स कि अगर के बी की वैल्यू, पी के बी की वैल्यू ज्यादा है तो बेसिक करेक्टर आपका क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, इस बार सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखना है, क्योंकि देखो पेपर में कोई डेरिवेशन तो पूछने वाला है नहीं है, हमने सिर्फ इतना बताना है कि जितनी केबी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। अगर तो क्वेश्चन में केबी की वैल्यू दी हुई है तब तो वो डायरेक्ट हो जाता है, अदरवाइज केबी की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हमें वहां पे और फैक्टर्स लगा के ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन ज्यादा बेसिक है, कौन जो है वो कम बेसिक है। क्लियर है, चल नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं कंपैरिजन ऑफ एलिफैटिक एमीन्स और अमोनिया की, देखो अगर मैं बात कर रही हूं बेस की, तो बेस में क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, लोन पेयर्स क्या होंगे, अवेलेबल होंगे, और जो लोन पेयर्स की डोनेशन जितनी ज्यादा कर पाएगा वो क्या होगा, उतना ही अच्छा बेस होगा। क्लियर है, अगर मैं अमोनिया की बात करूं आप, तो अमोनिया में क्या है, तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हैविंग वन लोन पेयर है। क्लियर है इतनी सी बात, तो यहाँ पे क्या है, वो सिर्फ उसके पास ये वाला लोन पेयर है जिसकी वो डोनेशन कर सकता है। और अगर मैं अमीन्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब अल्काइल ग्रुप्स में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट जो
है वो आपको देखने को मिलता है। और दूसरी बात क्या है आर ग्रुप की, दैट दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये, मतलब कि जो आर है, जो सी एच थ्री है उसके ऊपर क्या है, वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा नाइट्रोजन की तरफ। अब नाइट्रोजन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो डोनेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। दैट इज वाई वी कैन से दैट द एमीन्स आर मोर बेसिक देन द अमोनिया। इजी था, सिर्फ इतना सा फर्क याद रखो कि अमोनिया, देखो बेस क्या होता है, जो अच्छी डोनेशन करेगा लोन पेयर की वो अच्छा बेस होगा। अमोनिया में तीनों हाइड्रोजन है तो एक लोन पेयर बचता है, वो एक लोन पेयर की जब डोनेशन हो जाएगी तो वो क्या होगा, बेस होगा। लेकिन अमीन के केस में क्या है, एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप क्या है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी अपना भी एक लोन पेयर है, तो जब उसके पास और लोन पेयर आ जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे डोनेशन के लिए। दैट इज वाई अमीन क्या है, मोर बेसिक है दैन द अमोनिया। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं अब कंपेरिजन की बात करूं तो यहाँ पे क्या कहता है वो, कि जितने ज्यादा, अब मैंने बोला कि आर ग्रुप है तो जितने ज्यादा आर ग्रुप होंगे ऑब्वियसली बात है उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बेसिसिटी ऑर्डर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बेसिसिटी देखने को मिलेगी। अभी तक जो हमने पढ़ा उसके पॉइंट पे बोल रही हूँ। सो वो कहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अमीन दे आर बेसिक इन कैरेक्टर। अब अल्काइल ग्रुप आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब कि प्लस आई इफेक्ट आपको वहां पे देखने को मिलेगा, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा नाइट्रोजन एटम के ऊपर, और उसकी वजह से उसका बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे हम ये जो है वो कंपाइल करके बोल सकते हैं कि जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बेसिसिटी होगी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस जो अभी तक हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि टर्शियरी अमीन्स जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होंगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स में। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ गया। बट हेयर इज द एक्सेप्शन, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर्स जो है वो डोमिनेट कर जाते हैं, दैट इज एक स्टिरिक इफेक्ट एंड नेक्स्ट वन इज सॉल्वेशन ऑफ आयंस का इफेक्ट। सो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, तो वहां पे टर्शियरी जो है वो बेसिक नहीं होगा, प्राइमरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द टू फैक्टर्स, दैट इज स्टिरिक हिंड्रांस एंड द सॉल्वेशन ऑफ आयंस। क्लियर है। सो वो कहते हैं कि हाउएवर इन एक्विस सॉल्यूशन इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट टर्शियरी अमीन्स आर unexpectedly less basic than the others। अब chemistry है तो exceptions तो होंगी, होना चाहिए था क्या कि tertiary जो है वो सबसे ज्यादा basic होने चाहिए थे, but aqueous solution में क्या होता है वो चीजें reverse हो जाती हैं। Clear है? So इसीलिए the correct order of methyl amine and ethyl amine is, अब देखो this one is ethyl, this one is normal and this one is tri। क्लियर है। तो होना तो इसको सबसे ज्यादा बेसिक चाहिए था, बट है क्या, सेकेंडरी वाला सबसे ज्यादा बेसिक है। Same in this case, this one is secondary, this one is tertiary and this one is normal। तो यहाँ पे भी क्या है, secondary वाला जो है वो ज्यादा basic है, और ये किसकी वजह से होता है, steric hindrance। अगर steric hindrance की बात करूं तो normal language में मैं उसे क्या बोलूंगी, भीड़ भाड़, rush ज्यादा हो जाए, crowd का ज्यादा हो जाए। अब देखो tertiary में क्या होता है, तीन तीन R groups लगे हुए हैं, ठीक है, this one। अब जैसे ही आप नाइट्रोजन के साथ CH3 ग्रुप लगा दोगे तो वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा क्राउडिनेस जो है वो देखने को मिलेगी, भीड़ भाड़ जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना टफ हो जाएगा, और वहां पे रिएक्शन क्या होगी, आपकी स्लो डाउन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की डोनेशन जो है वो नहीं हो पाएगी, इसलिए दैट इज वाई इट इज वॉट लेस बेसिक इन नेचर। तो वो कहता है कि स्टिरिक हिंड्रांस क्या है, अल्काइल ग्रुप्स आर लार्ज इन साइज एंड इट हिंडर्स द अटैक ऑफ एसिड ऑन द अमीन्स एंड बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। स्टिरिक हिंड्रांस तो ईजी है ना, जब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी वहां पे रश ही इतना पड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जब अटैक ही नहीं होगा तो डोनेशन नहीं होगी, डोनेशन नहीं होगी लोन पेयर्स की, तो बेसिसिटी भी वहां पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। तो ऐसे ही सॉल्वेशन ऑफ आयंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, कम होती जा रही है। यहाँ पे क्या है, दो ऑक्सीजन OH2 ग्रुप वाटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे दोनों साइड से जो है दो H है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पे क्या है,
तीन साइड से जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। सो वो कहता है इन वॉटर द अमोनिया सॉल्ट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स अंडरगो द सॉल्वेशन इफेक्ट ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू अ मच ग्रेटर डिग्री दैन द अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ द टर्शियरी अमीन्स एंड दिस सॉल्वेशन इफेक्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द अमीन नाइट्रोजन टू अ ग्रेटर डिग्री दैन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप। अब क्या होता है, हमने ये पढ़ा था कि टर्शियरी अमीन्स में क्या होता है, हमने बोला था कि जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा और जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतनी ही ज्यादा चीजें क्या होंगी, बेसिक होंगी। बट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ स्टीरिक इफेक्टर एंड द सॉल्वेशन ऑफ आयंस ये सारा का सारा प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्स हो गया, क्योंकि स्टीरिक इफेक्टर ने बोला कि अगर ज्यादा भीड़ भाड़ है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा और रिएक्शन नहीं हो पाएगी, और सॉल्वेशन ने बोला कि अगर वहां पे प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखने को मिल रही है तो वो पानी में सॉल्युबल भी नहीं होगा, दैट इज व्हाई इट इज व्हाट लेस बेसिक इन नेचर हो जाएगा। सो रिमेंबर दिस थिंग कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में जो टर्शियरी अमीन है वो सबसे ज्यादा कम बेसिक होता है और यही एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। फैक्टर्स क्या कहते हैं, सॉल्वेशन ऑफ आयंस थे एंड क्या था स्टेरिक इफेक्टर जो है वो वहां पे देखने को मिलता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेसिक करेक्टर की, अगर मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तब उसकी बेसिसिटी ऑर्डर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो सी दिस थिंग कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का ग्रुप क्या, ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं having the positive sign होता है इनके ऊपर, like OCH3 हो गया, methyl group हो गया, that is methoxy and methyl, so ये हमेशा क्या करेंगे, basic strength को increase करेंगे। अब इस point को याद रखना क्योंकि paper में यहाँ से 110% sure जो है वो question देखने को मिलता है। सो रिमेंबर दिस थिंग, ऑब्वियसली बात है जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा प्लस साइन इफेक्ट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज ज्यादा करेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर डेंसिटी इंक्रीज होगी और लोन पेयर्स जो होंगे वो ज्यादा अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं हैविंग द नेगेटिव साइन, लाइक नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड कार्बोक्सिलिक। तो ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। और देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के बारे में ये सब चीजें हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और ये चीजें मैं ऑलरेडी अपने पेड कोर्सेज में बता चुकी हूँ, ठीक है। सो ये क्या है, डिक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को। सो सी, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है लाइक CH3, मिथेन, मिथ ऑक्सी या फिर आपका अमीन हो गया, तो ये क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। सिर्फ अपने माइंड में ये बात लेके चलो अभी तक, क्लियर है। अब देखो आपको मैंने ना दो चीजें दे दी, सॉरी तीन है, यहाँ पे एक एनिलीन प्रेजेंट है आपके पास, एक आपके पास पैरा टॉल्यूडीन प्रेजेंट है और एक आपके पास जो है वो नाइट्रो ग्रुप के साथ जो है वो एनिलीन प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, CH3 इज व्हाट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड नाइट्रो इज व्हाट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है जिसके पास प्लस आई इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक जो है वो देखने को मिलेगा, उसके बाद नॉर्मल एनिलीन एंड देन उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाली एनिलीन जो है वो सबसे कम बेसिक जो है वो देखने को मिलेगी। सो रिमेंबर दिस थिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाली अमीन जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक इन करेक्टर होगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो शो कर रहा है प्लस आई इफेक्ट को, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन ज्यादा देखने को मिलेगी और वो ज्यादा बेसिक इन नेचर होगा, क्लियर है। और ऐसे ही अगर मान लो कि आपके पास जो है वो दो ग्रुप्स हैं, दोनों एरोमेटिक अमीन्स के ऊपर क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ऑर्थो, मेटा और पैरा के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है। जब बेंजीन रिंग की फर्स्ट पोजीशन, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज व्हाट पैरा, तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा बेसिक आपका कौन सा होगा, पैरा आइसोमर इज मोर स्ट्रॉन्गर बेसिक देन द मेटा आइसोमर एंड दिस इज ड्यू टू द कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और सेम जब आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वहां पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे जो है वो मेटा ग्रुप जो है वो ज्यादा स्टेबल देखने को मिलेगा, मतलब वो क्या होगा, ज्यादा बेसिक इन नेचर होगा। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 मेक्स पैरा आइसोमर मोर वीकर बेस देन द मेटा आइसोमर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में मेटा पोजीशन जो होगी वो ज्यादा बेसिक इन नेचर होगी और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में पैरा पोजीशन जो होगी वो ज्यादा बेसिक इन नेचर जो है वो देखने को मिलेगी। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो इस साल बन सकता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब अगर मैं बात करूं ऑर्थो, देखो मेटा और पैरा का तो हो गया ना कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो पैरा इसमें जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा
और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो मेटल्स आइसोमर जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर मैं ऑर्थो की बात करूं तो जितने भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हमेशा लेस बेसिक होते हैं ड्यू टू द फैक्टर ऑफ ऑर्थो ऑर्थो इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, या फिर हम उसे ये क्यों होता है, देखो एवरी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जिसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इज लेस बेसिक देन द एनिलीन। क्लियर है क्यों है ऐसा? दिस इज ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट विच इज प्रोबेबली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। अब देखो अगर ऑर्थो पोजीशन पे ही आपका क्या लग गया हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, एनिलीन से हमेशा जो है वो कम होगा। मतलब अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा पैरा, उसके बाद आएगा आपका मेटा, उसके बाद आपका आएगा एनिलीन, एंड देन लास्ट में आपका क्या आएगा, ऑर्थो पोजीशन वाला आइसोमर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिल रहा है, स्टीरिक हिंड्रांस बहुत ज्यादा, जब आप स्ट्रक्चर्स को ओपन करके लिखोगे तो क्या होगा, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, सेम फैक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स वहां पे डोमिनेट कर जाएंगे, इसलिए ऑर्थो आइसोमर जो है वो लीस्ट बेसिक होता है इन द केस ऑफ एमीन। और अगर मैं ऐसे बात करूं नाइट्रो ग्रुप्स की भी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की भी, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटा आइसोमर सबसे ज्यादा स्टेबल, देन आपका आएगा पैरा, देन आपका आएगा नॉर्मल एनिलीन, एंड देन आपका लास्ट में आएगा ऑर्थो। क्लियर है? सो दैट इज व्हाई यहाँ पे ये क्या है, लेस बेसिक इन नेचर है। क्यों? ड्यू टू द स्टेरिक फैक्टर एंड द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की वजह से। अब देख लो पीकेबी की वैल्यू की भी आप देख सकते हो, जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, लेस बेसिक इन नेचर होगा। सो पॉइंट क्लियर है, इजी थी ये चीजें। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कुछ नेमिंग रिएक्शन थी, जैसे फर्स्ट आपकी रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, और आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है वो कहा जाता है। और ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है, ऑलरेडी पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ। वहां पे उन्होंने ये पूछा हुआ था, क्वेश्चन था ऐसे कि प्राइमरी डिग्री अमीन की डिस्टिंक्शन के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो किया जाता है। नीचे उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे, फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट, टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये ऑप्शन जो है वो उन्होंने नीचे दिए हुए थे। क्लियर है? सो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन क्या होती है, इसमें आप एनिलीन की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 यूज लाइक एनेस्थीजिया, और बेस की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो आपके पास फिनाइल आइसोसाइनाइड जो है वो फॉर्म होता है, और जब ये चीजें फॉर्म होती है तो आपके पास वहां पे कलर्ड कंपाउंड जो है वो देखने को मिलते हैं, एंड दिस टेस्ट इज यूज फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ द नाइट्रोजन ग्रुप्स लाइक एमीन। सो वो कहता है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन व्हेन वॉर्म विद क्लोरोफॉर्म एंड एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH फॉर्म आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइन व्हिच हैव वेरी अनप्लीजेंट और फाउल स्मेल। तो क्या होता है कि जब भी आप एनिलीन की रिएक्शन करवाते हो क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH तो वहां पे फिनाइल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, और जब आप टेस्ट ट्यूब में इस रिएक्शन को कर रहे होते हो ना तो वहां पे क्या होता है, बहुत अजीब सी अनप्लीजेंट ऑर्डर जो है वो आपको देखने को मिलता है, और वहां से हमें पता चलता है कि यहाँ पे एनीन जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर है? मान लो मैंने आपको एनिलीन दे दिया एंड यू डोंट नो अबाउट दिस कि ये एनिलीन है। आपको ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल में आपने बहुत टाइम पहले जो है वो ये प्रैक्टिकल्स किए भी होंगे, क्योंकि छोटी क्लासेस में ये प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक सैंपल को जब हमने टेस्ट करना होता था कि इसमें नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम क्लोरोफॉर्म ऐड करते थे, KOH को ऐड करते थे, और वहां पे क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होती थी वहां से स्मेल से ही ये पता चल जाता था कि हाँ यहाँ पे अमीन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। सो दैट इज वाई फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये पेपर में क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट की, तो यहाँ से भी सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है वो किसके डिस्टिंक्शन के लिए किया जाता है। देन इट इज यूज फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ द प्राइमरी अमीन, जिसमें होता क्या है, आपके पास क्या है, C6H5OH जो है वो आपको देखने को मिलेगा जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे सोडियम नाइट्राइड की प्रेजेंस में इन द एक्सेस ऑफ वाटर। तो आपके पास सबसे पहले क्या होगा, फिनोल में जैसे ही आपने NaNO2 डाला तो वहां पे सबसे पहले आएगी रेड कलरेशन, जैसे ही फिर आपने और बेस ऐड किया एक्सेस में तो जैसे जैसे बेस ऐड करते जाओगे तो ब्लू कलर का कंपाउंड जो है वो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। सो दिस ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ द एमीन ग्रुप, बिकॉज होता क्या है, जैसे ही फिनोल की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड के साथ करवाई गई इन द प्रेजेंस ऑफ डायल्यूट H2SO4
तो वहां पे जो है आपको एंड में एक आइडोफिनोल इंडोफिनोल जिसे आप कहते हो रेड कलर की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। और जैसे ही इसमें फिर से बेस ऐड किया तो वो जो इंडोफिनोल पहले रेड कलर में था वहां पे ब्लू कलर की फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सो लाइबोमैन नाइट्रोसो, बस इस नाइट्रोसो से याद रख लेना कि दैट दिस टेस्ट इज यूज फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ द नाइट्रोजन एमीन, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप दैट इज एमीन के लिए ये टेस्ट किया जाता है जिसमें रेड और ब्लू कलर के इंडोफिनोल की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर है? नाउ जैसे मैंने पहले कहा कि जो येलो ओली नाइट्रोसोमा अमीन था वो क्या करेगा, सबसे पहले ग्रीन सॉल्यूशन देगा। जब आप उसे फिनोल और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे, जैसे जैसे वाटर ऐड करते जाओगे कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन ग्रीनिश ब्लू में एंड देन वायलेट में ऑन द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड द ओवरऑल रिएक्शन इज नोन एज द लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट एंड दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द सेकेंडरी अमीन। सिंपल अमीन्स के लिए टेस्ट जो है वो ये किया जाता है। और अगर पूछे कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में किसके लिए किया जाता है तो सेकेंडरी अमीन्स के लिए जो ये टेस्ट है वो किया जाता है। जैसे आपका आइसोसाइनाइड है तो उसमें एरोमेटिक अमीन्स आ सकता है, लाइबरमाइन नाइट्रोसो में जो है वो सेकेंडरी अमीन्स आता है, एंड डाई टेस्ट में एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स जो है वो इस टेस्ट को देते हैं। ये पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है जिसमें उन्होंने ये पूछा हुआ था कि डाई टेस्ट जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के लिए किया जाता है उसमें किस कलर की डाई की फॉर्मेशन होती है, उसमें जो है वो कलर के बारे में जो है वो पेपर में पूछा गया था। सो रिमेंबर दिस थिंग कि डाई टेस्ट जो आपका होता है वो किसके लिए किया जाता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के लिए ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, जिसमें आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, बीटा नैप्थॉल के साथ, और आपके पास ऑरेंज रेड कलर की डाई की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। सो दिस कलर इज इंपॉर्टेंट, किसके लिए किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स की डिस्टिंक्शन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, डाई टेस्ट। डाई का मतलब क्या है कि कोई कलर कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, और किस कलर कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, ऑरेंज कलर के कंपाउंड की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलो अब मैं यूजेस की बात करूं तो जो अमीन है वो एज अ सॉल्वेंट भी यूज किए जाते हैं, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में इनका यूज किया जाता है, नेक्स्ट पॉलीमर्स बनाने में यूज किया जाता है, एंड द मेन यूज जहां से क्वेश्चन आता है कि डाइज बनाने के लिए जो है वो अमीन का जो है वो यूज किया जाता है, और बहुत सारे और भी रबड़ इंडस्ट्री में इसका यूज जो है वो देखने को मिलता है, डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है, और जब कपलिंग रिएक्शन करवाई जाती है वहां पर भी अमीन का यूज किया जाता है। अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज की बात करूं तो जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं वो ये है कि डाइज बनाने में किसका यूज किया जाता है, अमीन का यूज जो है वो किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, इनमें सबसे ज्यादा बेसिक जो है वो कौन है, बेंजाइल अमीन, एनिलीन, एसिटाइलिलाइड, या फिर पैरा नाइट्रो एनिलीन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कि यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर है, दैट इज बेंजाइल अमीन इज द मोस्ट बेसिक इन नेचर। बेंजाइल अमीन की अगर मैं बात करूं तो क्या है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होगा उसे आप क्या कहते हो, बेंजाइल अमीन। एनिलीन इज सिंपल है, बेंजाइल अमीन क्या है आपका, जब आपका CH2 NH2 ग्रुप लगा होगा किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। क्लियर है? एनिलीन क्या होगा, जब सिंपल NH2 ग्रुप लगा होगा एनिलीन के साथ। क्लियर है? एसिटैनिलाइड और पैरानाइट्रोएनिलीन आपको पता है, तो इसमें सबसे ज्यादा बेसिक ये क्यों हुआ, क्योंकि इन तीनों में जो है वो कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा और बेंजाइल अमीन में कॉन्जुगेशन नहीं होगी, दैट इज वाई इट इज मोर बेसिक इन नेचर। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं बात करूं अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, अब इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, देखो अमोनिया तो सिंपल है NH3, मिथाइल अमीन की बात करूं तो CH3 NH2 आ जाएगा, इथाइल अमीन की बात करूं तो C2H5 NH2 आ जाएगा, या फिर नन ऑफ दीज। अब देखो नन ऑफ दीज तो नहीं हो सकता, अब इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है। अब मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि जब अमोनिया होता है और आपके पास अमीन होता है तो अमीन क्या होते हैं, ज्यादा बेसिक होते हैं। क्लियर है? अब ज्यादा बेसिक होते हैं तो मतलब अमोनिया तो नहीं हो सकता, आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं मिथाइल या इथाइल। तो देखो जब मैंने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी की बात करी थी आपके, तो मैंने ये कहा था, पहले तो मैंने ये कहा था कि जब जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बेसिसिटी क्या होती बढ़ती जाएगी, बट देयर इज अ एक्सेप्शन हियर। तो जैसे जैसे स्टिरिक इफेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बेसिसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इथाइल में दो कार्बन देखने को मिल रही है, मिथाइल में एक कार्बन देखने को मिल रही है, सो कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, मिथाइल अमीन जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट
राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स डाई टेस्ट, इनमें से कौन जो है वो डाई टेस्ट देता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो डाई टेस्ट होता है जिसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, बीटा नैप्टोल के पास, बीटा नैप्टोल के साथ, और आपके पास ऑरेंज कलर की डाई जो है वो फॉर्म होती है। प्राइमरी एरोमेटिक एमीन के लिए जो है वो ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, एनिलीन है, मिथाइल एमीन है, डाइफिनाइल एमीन है, या फिर इथाइल एमीन है। अब देखो सेकेंडरी सेकेंडरी मिथाइल एमीन में क्या है, दिस इज CH3NH2, बट जो आपका ये टेस्ट देता है वो किसके लिए किया जाता है, एनिलीन के लिए किया जाता है, दैट इज एरोमेटिक प्राइमरी एमीन के लिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपके पास क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज डाई टेस्ट इज यूज्ड फॉर द एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी आंसर पहले ही आ गया। द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी एमीन कंटेनिंग वन कार्बन एटम लेस, मैंने कहा था ना जब रिएक्शन करवाई थी तो ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी पेपर में आ चुका हुआ है, जिससे ये पूछा गया था कि उस मेथड में क्या होता है कि जब आप एमीन्स की फॉर्मेशन करते हो तो वहां पे वन कार्बन एटम लेस होती है जो उसके पेरेंट कार्बन एटम में होती है। तो आपके पास ऑप्शन थे गैब्रियल पैथेलामाइड सिंथेसिस, रिडक्टिव एनिमेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, या फिर रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल्स। अब रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल्स तो नहीं होती है क्योंकि दैट इज नॉन एज द मेंडेलियस रिएक्शन, और इसका राइट आंसर क्या है आपके पास ऑप्शन सी, आपने डेफिनेशन में ही ये चीज पढ़ी थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर बेसिसिटी ऑर्डर इन द नाइट्रो एनिलीन। अब देखो यहाँ पे जो है उन्होंने बेसिसिटी ऑर्डर पूछा हुआ है, आपके पास क्या है, आपके पास ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन है, पैरा नाइट्रो एनिलीन है, एंड देन मेटा नाइट्रो एनिलीन है। अब मैं अगर नाइट्रो ग्रुप की बात करूं तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। एंड मैंने कि आपको जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जितना भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उसमें मेटा आइसोमर जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ऑर्थो तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से लीस्ट इफेक्ट ही होगा, तो बचे थे दो, पैरा या मेटा। तो मेटा आइसोमर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में ज्यादा बेसिक इन नेचर होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और ये मैंने पहले ही चीज सारी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। सो रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो मेटा आइसोमर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा जहां पे इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा वहां पे पैरा आइसोमर जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल देखने को मिलेगा, एंड ऑर्थो वाला क्या होता है सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी सी बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक और, व्हेन अ प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन इथेनॉलिक KOH देन द प्रोडक्ट इज। वो कह रहा है कि जब आप प्राइमरी एमीन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, क्लोरोफॉर्म के साथ करवा रहे हो, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाई थी ना अभी हमने जब हमने आइसोसाइनाइड टेस्ट किया था, तो उसमें किस चीज की फॉर्मेशन हुई थी, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सो डायरेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज आइसोसाइनाइड जो है वो फॉर्म होते हैं जब भी आप प्राइमरी एमीन को रिएक्ट करवाते हो किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। सो देखो बहुत इजी और सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, अगर आप एक बार डीप से स्टडी कर लोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस होने के चांसेस बनते हैं। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द एमीन्स। ऐसे ही अगर आप और लेक्चर्स चाहते हो या आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो 24 अप्रैल 2023 से हमारा जो HPTGT कमीशन के लिए बैच जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, और आप जो है वो हमारा कोर्स जल्दी से जल्दी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको पूरे लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स भी होंगे और साथ में प्रॉपर हैंडआउट्स भी जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द सेशन।